बिजली की तो बिल्कुल ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए ज़रूरत है। आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। बिजली तो समय से रहती नहीं थी, हमको सामान तैयार करना होता है, काम करते करते लाइट कट गई तो कारपेंटर कहीं काम कर रहे हैं, कोई लकड़ी तैयार कर रहे हैं, तैयार नहीं हो पाएगा, कहीं ड्रिल से होल मारना है, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, एकदम बिल्कुल परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। कोई भी काम मेरा समय से नहीं हो पाता। उसके बाद से हम जनरेटर चलाते थे, हम रोज़ 500 या 700 का लगभग जनरेटर में तेल डाल के चलाते थे। जनरेटर चलाने से बहुत आवाज़ भी करता था, हम लोग डिस्टर्ब रहते थे, इतना परेशानी होता था। जनरेटर से कभी कोई मशीन एक बार नहीं चला पाते थे। मैं ऐसा दुकानदार हूँ यहाँ पे, सबसे पहले ग्राहक सोलर का मैं हूँ। बिजली का कनेक्शन कटवा दिए हैं जब से सोलर लिए हैं, 3 साल हमको हो गया लगभग, जब से यहाँ पे सोलर प्लांट बैठा है उसके 2-3 महीना बाद मैं ले लिया हूँ। जब से सोलर लिया हूँ तब से तो ना ही कोई आवाज़ और ना ही कटने का संभावना, बिजली कटने का कोई वो दिक्कत, सारा काम समय से कर लेते हैं और सब मशीन एक साथ में चला लेते हैं। जो हम सोलर लिए हैं इसका बिजली कभी जाता नहीं है, 24 घंटा रहता है, जनरेटर का सिस्टम ख़त्म। कि बिजली का जो हम इस्तेमाल करते थे उसमें जो कोई फॉल्ट होता उसका सर्विस 2 दिन या 3 दिन बाद होता है, और ये जो सोलर प्लांट है जब से हम लिए हैं, अगर जो कहीं भी फॉल्ट होता है, ज़रा सा भी मिस्टेक होता है, तुरंत फ़ोन करते हैं, तुरंत आ जाते हैं, तुरंत सर्विस इसका हो जाता है। हम जनरेटर या बिजली से काम करते थे, समय से नहीं रहता था, तो उसमें 15 से 20 हज़ार का लगभग तेल महीने का, इसमें तो मेरा मतलब मैक्सिमम 7 हज़ार, उससे अधिक का नहीं, उससे कम में हो जाता है और सुकून रहता है। पंखा वंखा सब चला लेते हैं इससे। जब से सोलर लिया है तब से कंप्रेसर मशीन पहले एक था अब 2 है, प्लेनर मशीन है बड़ा वाला, जिससे कि मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ, जहाँ 10 आदमी काम करे वहाँ सिर्फ एक दिन में एक आदमी काम करके निकाल देता है। कटर मशीन इस समय मेरे पास 3 है, ग्राइंडिंग मशीन है 2, उसके बाद हमारे पास 3-3 रूटर मशीन है, जिक्सा मशीन है, ये सब सोलर से ही चलाते हैं। यहाँ पे अपने दुकान से पलंग, सोफ़ा, बेड, ड्रेसिंग, दरवाज़ा, विंडो, ये सब का काम करवाते हैं, मशीन द्वारा पेंटिंग करवाते हैं। जो मशीन कंप्रेसर मशीन है जो सोलर की लाइट से चलती है, सामान देना होता है तो मैं तुरंत उसको ले लेता हूँ और करके दे देता हूँ, तो सोलर नहीं रहता तो नहीं दे पाते। आज अगर जो प्लांट नहीं रहता, सोलर प्लांट नहीं रहता, तो हमको तो फिर वही परेशानी झेलना पड़ता जो 3 साल पहले झेलते थे। तो प्रोग्रेस तो यही है, काम बहुत फास्ट करवाता हूँ। जो खिड़कियाँ ये गांव है, आज के डेट में सबसे अधिक मशीन मेरे पास है, पहले हमारे पास 5 से 7 आदमी थे, जब से मैं सोलर लिया हूँ इस समय हमारे पास 15 से 18 के करीब में आदमी हैं, और एक दुकान था उस समय, इस समय मेरे पास 2-2 दुकान है, 2 महीने के बाद एक और बढ़ने वाला है।